हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सभी? तो बेटा, आज हम लेके आए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 14, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे करंट लूप की का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, उसी तरीके से होगा आज जो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसकी वजह से? ड्यू टू ए करंट लूप। एक करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेटा हमने निकालना है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा बेटा, उससे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में जानते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम बात कर रहे थे दो चार्ज की। आपको ये तो पता है कि डाइपोल बढ़ता कैसे है। जैसे कि मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, और उस चार्ज के कुछ डिस्टेंस पर, यानी कि जो डिस्टेंस हमने माना था वो 2a माना था, हमने कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया। सेम, ठीक है, सेम चार्ज रखा है बिल्कुल। देखो यहाँ पर भी क्यों और यहाँ पर भी क्यों, बस क्या है, उनका नेचर अलग अलग है। यानी कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। स्मॉल है, स्मॉल डिस्टेंस होता है बेटा ये, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर से इसकी दूरी हमने a मान ली और इसकी दूरी भी हमने a मान ली, तो a प्लस a जुड़ के 2a डिस्टेंस हो गया। डाइपोल यानी कि डबल नेचर की कोई चीज एक साथ जब रखी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल। क्लियर? तो जब हमने इसका डाइपोल मूवमेंट निकाला था p, तो क्या आया था बेटा, q इंटू 2a। ये था डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बेटा। क्यू, क्यू क्या था बेटा, चार्ज को यहाँ पर ये चार्ज लेकर चलो बेशक, चाहे ये लेकर चलो, बस मैग्नीट्यूड ले लेना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, इनटू में डिस्टेंस। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसी तरीके से बेटा बार मैग्नेट की बात करें, हम यहाँ से एक बार मैग्नेट लेके चलते हैं। बार मैग्नेट क्या होती है देखिए बेटा, सभी को पता होगा बार मैग्नेट, ठीक है, जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल है। इसकी पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम को हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये पढ़ेंगे बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। पोल स्ट्रेंथ, ये जो स्मॉल एन है, एम है बेटा, इसको हम बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। जैसे इस चार्ज यहाँ पर रखे गए चार्ज की चार्ज स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो चार्ज स्ट्रेंथ को हम क्यू से डिनोट करते हैं, यानी कितना चार्ज होगा हम उसको क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसे ही बेटा मैग्नेट के अंदर हर पोल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, ये कह सकते हो। तो इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है बेटा, एम से इसको डिनोट करेंगे। जितनी इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी उतनी ही इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी। थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लीजिए, इसकी पोल स्ट्रेंथ M है तो इसकी हम पोल स्ट्रेंथ को माइनस एम नाम दे रहा हूं, होती नहीं है वैसे, ठीक है बेटा, ऐसे मान सकते हैं। अलग नेचर की पोल स्ट्रेंथ होती है इसकी, साउथ पोल की। दोनों यहां से सेंटर मान लेते इस मैग्नेट का, ठीक है बेटा। तो ये डिस्टेंस हमने मान लिया, मान लीजिए L ले लेते हैं, चलो A उसके लिए ले लिया, L इसके लिए लेते हैं L। तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो गया बेटा, 2L का। तो यहां से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि कैपिटल एम से बेटा इसको डिनोट करूंगा, और इसकी इसका फॉर्मूला होगा एम इंटू टू एल। ये है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। चार्ज जहां यहां पर चार्ज आ रहा था, तो यहां पर इन पोल की पोल स्ट्रेंथ आएगी एम। ये हम अच्छी तरह समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बेटा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है वो हमने माना है क्या, 2L, ठीक है बेटा। तो ये होगी इसकी मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये है बार मैग्नेट,
ठीक है बेटा, हम बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा सा ही जान लेते हैं, फिर हम करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। ओके, ये बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकलती है और किधर जाती है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकलती है पॉजिटिव चार्ज से और जाती किधर है, नेगेटिव चार्ज पे, ऐसे निकलती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। बेटा हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है नेगेटिव चार्ज में जाती है। ऐसे ही बेटा यहाँ से भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकलती है, कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और घूम के साउथ की तरफ जाती है। ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकलती है बेटा, नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। ये क्या करती थी बेटा, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती थी इसकी बाउंड्री पे, यानी कि घूम के वापस पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं आती थी, यानी क्लोज लूप नहीं बनाती थी बेटा। क्लोज्ड लूप जो है इस वाले केस में नहीं बनता था, क्लियर बेटा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि ये जो साउथ की तरफ गई है वापस से नॉर्थ की तरफ आ जाती है, ऐसे ही, समझ गए बात। तो यानी कि यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो गई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज की डायरेक्शन क्या है बेटा, क्या है, नॉर्थ टू साउथ, कहां, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के आउटसाइड बेटा जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है। देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या है बेटा, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के इनसाइड बेटा क्या है, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, क्लियर। देखो ध्यान से दिख रही है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, फिर साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ आ रही है, यानी कि इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है वो होती है बेटा क्या, इनसाइड द मैग्नेट जो है साउथ टू नॉर्थ इसकी डायरेक्शन होती है, क्लियर ये चीज। चलिए देखिए आगे बेटा, ये हमें समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गई, ओके। तो यहां से हमने डायरेक्शन निकालनी थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एम की डायरेक्शन क्या होगी अगर हम देखें तो देखो बेटा P की डायरेक्शन क्या होती थी, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, P की डायरेक्शन क्या होती थी बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव किसको मान रहे हैं हम, किसको मान रहे हैं, S को, और पॉजिटिव किसको मान रहे हैं, N को। तो हम ये कह सकते हैं कि M की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो S टू N होगी बेटा, यानी कि साउथ टू नॉर्थ, जिस तरीके से इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा, उसी तरीके उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, यहां से डायरेक्शन ऑफ एम इज साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है बेटा एम की डायरेक्शन, क्लियर ये चीज। चलिए तो ये तो था हमारा एक थोड़ा सा ब्रीफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर ए बार मैग्नेट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, क्लियर बेटा ये चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, करंट लूप, क्या बेटा, करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, निकालें चले, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे करंट लूप का। ध्यान दीजिए सभी, बड़ा आसान सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएंगे उनमें हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यूज होगा बेटा। ध्यान दीजिए, अब देखिए एक करंट लूप लेते हैं बेटा, ठीक है, एक करंट लूप ले लिया बेटा हमने और इसमें से करंट फ्लो करवाया, इस टाइप से एक करंट लूप लिया, इसमें से करंट फ्लो करवाया आई, ठीक है बेटा। तो यहां से देखिए ये डायरेक्शन है, ध्यान दीजिए, देखो ये अंदर वाला हिस्सा है,
ये वायर का अंदर वाला हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्सा, ये ऐसे घूम के, ऐसे मान लो ऐसे घूम के करंट इस तरीके से आ रहा है, ऐसे घूम के करंट इस तरीके से आ रहा है बेटा। तो यहाँ से ऐसे करंट घूम रहा है, तो करंट की डायरेक्शन जो है उंगलियां बता रही है, देखो ध्यान से, करंट की डायरेक्शन कौन बता रही है? उंगलियां। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? नीचे की साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होता है बेटा करंट लूप में, हमने पढ़ चुके हैं ये चीज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, नीचे की साइड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की साइड होगी, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये कह सकते हो इस इधर से जनरेट हो रही है और ऐसे घूम के वापस से ऐसे क्लोज लूप बनाएगी। एक क्लोज लूप में बना के दिखा देता हूं, इस तरीके से जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लूं, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं बेटा इसको, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, देखिए बेटा ये एक बार मैग्नेट, मैं मान रहा हूं इसको। बार मैग्नेट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहां से आती है बेटा? साउथ से, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से आती है। और किधर जाती है? नॉर्थ की तरफ। और फिर नॉर्थ से किसकी तरफ चली जाती है बेटा? साउथ की तरफ। क्लियर? ऐसे ही घूम घाम के साउथ की तरफ चली जाएगी। तो ये बात हम अज्यूम करके चले थे, लेकिन ये हमारे कॉन्सेप्ट में बिल्कुल फिट बैठती है कि जिसको हम साउथ मान रहे हैं, ठीक है, इस बार मैग्नेट का जिसको हम साउथ मान रहे हैं, वो एक्चुअल में इस करंट लूप की वजह से ऊपर की साइड साउथ क्रिएट हो रहा है और नीचे की साइड नॉर्थ क्रिएट हो रहा है। यानी कि करंट लूप बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, यहां से ये कह सकते हो करंट लूप बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। जो करंट लूप है बेटा वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, जिसका साउथ ऊपर की साइड है और नॉर्थ नीचे की साइड है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऊपर से नीचे आ रही है। तो ऊपर से नीचे आ रही है तो इसका मीनिंग हम इसको साउथ और इसको नॉर्थ मान सकते हैं, और ये घूम के वापस से ऐसे जाएगी, तो यानी कि साउथ से, नॉर्थ से फिर साउथ की तरफ ये जा रही है। क्लियर बेटा? ओके, तो ये था हमारे पास, यानी कि करंट लूप, हमने ये प्रूव करना था कि करंट एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर, करंट लूप जो होता है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बेटा। तो ध्यान दीजिए अब आगे, चलिए अपना जो मेन टॉपिक है इस पे आते हैं अब। तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है क्या? करंट लूप, करंट लूप जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है बेटा आई इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ऊपर से देखे तो कैसे घूम रहा है बेटा? क्लॉकवाइज। ऊपर से देखे तो कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे ऊपर से आएगी नीचे की तरफ, तो यानी कि इसको हमने साउथ और इसको हमने ऊपर वाले हिस्से को की तरफ हमने साउथ अज्यूम कर लिया, नीचे वाले हिस्से की तरफ हमने नॉर्थ अज्यूम कर लिया और कह दिया कि एक बार मैग्नेट है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आपके पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी किधर होती है? क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका डाइपोल मूवमेंट भी होगा, इस करंट लूप की वजह से डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा कि नहीं होगा इसके इनसाइड? तो इसकी डायरेक्शन ये बेटा यही होगी, कैपिटल एम। और कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? आई इंटू ए। ए क्या है बेटा? ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर एरिया ऑफ कोइल, करंट लूप, एरिया ऑफ करंट लूप लिख लो ऐसे, करंट लूप, करंट लूप का एरिया ए मान लिया बेटा हमने, ओके। और आई क्या है बेटा? इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ये फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ए करंट लूप। यहां से ये बात होती है कि देखो, मान लो, चलो इसको प्रूव करते हैं। देखो बेटा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेगी, यानी कि उतनी ही ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जितना ज़्यादा एरिया होगा बेटा कोइल का, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल पाएगी इसके अंदर से। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ द करंट लूप। सो यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे के, और के की वैल्यू बेटा 1 होती है,
सो यहां से आपके पास आ गया ये, ठीक है। तो ये था बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। अब देखिए बेटा, अब यहां से इसकी डायरेक्शन, यूनिट, इन सब चीजों की बात करेंगे बेटा हम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी एम की, इस करंट लूप में डायरेक्शन क्या होगी ये हमने पता ही लगा लिया बेटा, ऊपर को साउथ और नीचे को नॉर्थ मान रहे हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। यानी कि ये मान सकते हो कि उंगलियों को करंट के हिसाब से घुमाइए और अंगूठा क्या बताएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। एक करंट लूप बना लेता हूं ऐसे, देखिए ध्यान से। अब इसमें करंट घूम रहा है बेटा ऐसे, इसमें करंट घूम रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ऊपर की साइड। तो डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी बेटा, एम्पियर, करंट के लिए लेंगे एम्पियर मीटर स्क्वेयर, ठीक है बेटा, क्योंकि एरिया है तो एम्पियर मीटर स्क्वेयर। आ गया समझ में सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है, ये लूप जो है जरूरी नहीं है सर्कुलर शेप के ही हो सकते हैं बेटा, लूप जो है बेटा रेक्टेंगुलर शेप के भी हो सकते हैं, क्लियर। तो ध्यान दीजिए, रेक्टेंगुलर स्क्वेयर लूप होना चाहिए, यानी क्लोज्ड लूप होना चाहिए। तो एम का फॉर्मूला आ गया बेटा आई इंटू ए, ठीक है, डायरेक्शन पता लग गई एम की, ठीक है। करंट लूप में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हो आप, मैंने बताया राइट एंड थंब रूल से ही आप यहां से डायरेक्शन पता कर सकते हो, डायरेक्शन पता कर सकते हो बेटा, क्लियर, ओके। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले ली बेटा, ठीक है। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, पहले ये समझ लो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा सकते हो। करंट तो वेक्टर होता नहीं, एरिया वेक्टर जरूर होता है। एरिया वेक्टर मैं फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका था बेटा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एरिया वेक्टर जो है बेटा, ठीक है, यहां से वो उसकी डायरेक्शन किधर होती है पहले ये बताओ। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा जो एरिया होता है बेटा, देखो ये है आपका क्लोज लूप और ये है इसका एरिया, एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर, पता है ना, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। सो जिस जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन हम कह सकते हैं एम की डायरेक्शन होगी, क्लियर बेटा। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हम ले लेते हैं। यहाँ पर कोई रेक्टेंगुलर शेप का एक लूप ले लिया बेटा हमने, जिसमें से करंट आई फ्लो करवाया, स्क्वेयर शेप का है मान लेते थोड़ी देर के लिए, ए इसकी जो है साइड हमने मान लेती है बेटा, ए इसकी चारों साइड का जो माप है वो ए ए ए हमने मान लिया, ठीक है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा, करंट इनटू में एरिया, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है ए, और एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वेयर का बेटा, ए स्क्वेयर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन दिखानी हो तो बेटा वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना हो तो बेटा हमने क्या करना पड़ेगा, इस एरिया के ऊपर वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा, और एरिया वेक्टर किधर होगा ध्यान दीजिए, देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान दीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अंदर की साइड होगी, अंदर यानी कि नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस की तरफ, अंदर की साइड नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, किसकी, एम की डायरेक्शन। सो यहां से बेटा आप एरिया यहां से क्या लिख सकते हो, ए स्क्वेयर के साथ माइनस के कैप लगा सकते हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर के कैप नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस बताएगा, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, साफ कर दूं मैं इसको, तो आसान से न्यूमेरिकल है इसके ऊपर आप निकाल सकते हो बेटा, और भी ज्यादा न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो। ध्यान दीजिए, एक करंट कैरिंग लूप दे रखा है रेक्टेंगुलर शेप का बेटा, ठीक है, जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर बेटा, ठीक है, और इसकी जो साइड है 2 मीटर, इसकी जो ये ब्रेथ है और 3 मीटर जो है बेटा इसकी लेंथ है। सो फाइंड आउट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, तो बेटा क्या आएगा एम की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से आई इंटू ए, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है बेटा एरिया रेक्टेंगुलर का, 3 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आएगा
एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आ गई बेटा एम की वैल्यू। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है बेटा, आप निकाल सकते हो। तो आई थिंक आपको ये आज का टॉपिक समझ में आएगा, आया होगा, छोटा सा टॉपिक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और भी हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, बोहर मैग्नेट्रॉन पढ़ेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।